और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम KTM Duke 250 को बजाज डोमिनार 250 से कंपेयर करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मेरे पास दोनों ही बाइक्स की प्रॉपर वीडियो अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं आपको फोटोज़ की हेल्प से एक डिटेल्ड कंपैरिजन देने की पूरी कोशिश करूंगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो पहले बात करते हैं लुक्स की। तो दोनों ही बाइक्स नेकेड सेगमेंट की रेस ट्रैक ओरिएंटेड स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन यहाँ पर ड्यूक 250 का लुक ज़्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है डोमिनार 250 के मुकाबले, क्योंकि आप ड्यूक 250 को किसी भी एंगल से देख लीजिए, बाइक हर एंगल से एक स्पोर्टी अपीयरेंस शो करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डोमिनार 250 का लुक्स बेकार है। डोमिनार भी एक हैवी और बल्कि सा लुक प्रोड्यूस करती है, लेकिन ज़्यादा शार्प और मस्कुलर डिज़ाइन KTM ड्यूक 250 ही प्रोड्यूस करती है। बाकी आप कमेंट सेक्शन पर बताओ कि आपको कौन सी बाइक का लुक्स पसंद है। दोस्तों, सीट कंफर्ट डोमिनार 250 का ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू ड्यूक 250। भले ही ड्यूक 250 की राइडर सीट लंबी है और पिलियन सीट भी स्पेसफुल है, लेकिन दोनों सीट हार्ड है और उनकी कुशनिंग भी ज़्यादा बेटर नहीं है। लेकिन डोमिनार 250 की दोनों ही सीट्स वेल कुशन्ड और कंफर्टेबल है, और आप आराम से 3 से 4 घंटे एकदम रिलैक्स होकर विदाउट एनी पेन डोमिनार 250 को राइड कर सकते हो। दोस्तों, डोमिनार 250 में आपको फ्रंट में 37mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं, और पीछे आपको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलता है। वहीं ड्यूक 250 में आपको फ्रंट में 43mm के WP अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं, जिससे बाइक की हैंडलिंग और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। और पीछे आपको WP मोनोशॉक सस्पेंशन, ड्यूक 250 में आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प और कॉर्नर्स पर LED DRLs मिलते हैं। वहीं डोमिनार 250 में आपको LED हेडलाइट मिलती है, जिसकी नाइट विजिबिलिटी ड्यूक 250 के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। दोनों ही बाइक्स में आपको सेम इंजन मिलता है, 248.8 cc का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड FIDO HSE इंजन, लेकिन यहाँ पर आपको पावर फिगर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। डोमिनार 250 में आपको 27 PS का मैक्सिमम पावर मिलता है, और ड्यूक 250 में आपको 30 PS का मैक्सिमम पावर मिलता है। यहाँ पर ड्यूक 250 में आपको 3 PS ज़्यादा देखने को मिलेगा। डोमिनार में पीछे आपको 130 सेक्शन 70 का टायर साइज मिलता है, और ड्यूक 250 में आपको 150 सेक्शन 60 का टायर साइज देखने को मिलता है। और ड्यूक 250 की रोड ग्रिप डोमिनार के मुकाबले ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ड्यूक 250 का जो टायर है वो काफ़ी मोटा है, जिसके चलते ये रोड पर अच्छी ग्रिप पकड़ लेता है और कॉर्नरिंग्स करते समय आपको एक पॉजिटिव फील देता है। दोस्तों, डोमिनार 250 में आपको बॉक्स टाइप स्विंग आर्म मिलता है, और ड्यूक 250 में आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है। इसलिए एल्यूमिनियम स्विंग आर्म की वजह से ड्यूक 250 के हैंडलिंग डोमिनार 250 के मुकाबले ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर ब्रेकिंग को देखा जाए तो बोथ द बाइक्स कम्स विथ ड्यूअल चैनल ABS, लेकिन ड्यूक 250 में आपको सुपर मोटो मोड मिलता है, जिसके कारण आप रेयर व्हील के ABS को ऑफ करके ड्रिफ्टिंग वगैरह कर सकते हो। दोस्तों, टूरिंग पर्पस के लिए दोनों ही बाइक्स परफेक्ट है। दोनों ही बाइक्स का सिटिंग पोस्चर अपराइट है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए टूरिंग पर तो ज़्यादा लगेज आप डोमिनार 250 पर ही कैरी कर सकते हो। प्राइसिंग की बात की जाए तो बजाज डोमिनार 250 का प्राइस है 1,60,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और KTM ड्यूक 250 का प्राइस है 2,00,000 एक्स शोरूम दिल्ली। तो सीधा सीधा 40,000 का अंतर आपको डोमिनार 250 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप शार्प लुकिंग और एग्रेसिव बाइक लेने की सोच रहे हो, जिसमें आपको सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और पावर पहले से ही लोडेड मिले, तो KTM ड्यूक 250 आपके लिए बेस्ट रहेगी। और छोटी हाइट वाला बंदा भी ड्यूक 250 को आराम से राइड कर सकता है। लेकिन अगर आप डेली यूजेस के लिए अच्छी दिखने वाली बाइक लेने की सोच रहे हो, और अगर आपका बजट कम है, तो डोमिनार 250 आपके लिए परफेक्ट रहेगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझे वहाँ डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।